वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ अंजना और आज की जो हॉल है वो है फ्लिपकार्ट हॉल। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ दो खूबसूरत सी कुर्ती, बहुत ही अच्छी सी कुर्ती है दो, वो मैं लेकर आई हूँ। डिज़ाइन और पैटर्न की बात कर रही हूँ, काफ़ी अच्छी है तो आपको मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले कुर्ती एंड स्कर्ट का एक सेट है वो, तो फर्स्ट है मेरी ये कुर्ती। कुर्ती थोड़ी क्रस्ट रिसीव हुई थी मुझे, इस वजह से ये आपको थोड़ी क्रस्ट दिख रही होगी। कुर्ती काफ़ी खूबसूरत है, इसकी पैटर्न बहुत ही अच्छी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ब्लैक एंड वाइट का प्रिंट है और ये जो ऊपर के योक के जो प्रिंट दिए हुए काफ़ी अच्छे से हैं, कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। एंड यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट के टैसल्स हैं एंड ये जो शेल्स होते हैं उस तरह की ये लगी हुई है, बहुत ही अच्छा सा कॉम्बिनेशन है इसका। ये स्टाइल जो है वो काफ़ी अच्छा है, देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। और ओवरऑल यहाँ पे येलो है एंड नीचे में आकर आपको ये मिलेगा दो लाइंस जो कि बॉर्डर की तरह बहुत ही प्यारी सी लग रही है, आप देख सकते हैं। इसके पैटर्न की बात करूँ तो पैटर्न काफ़ी अच्छी है गाइस। इस तरह के सूट से या कुर्ते या आप प्लाजो के साथ वेयर करो या फिर स्कर्ट के साथ वेयर करो, हर तरह से अच्छे लगते हैं ये। दोनों तरफ ये साइड स्लिट है और बैक की बात करूँ तो बैक में भी उस तरह का ही है, थोड़े शोल्डर के ऊपर आपके ब्लैक एंड वाइट के प्रिंटेड कपड़े हैं और स्लीव सिंपल है, बिल्कुल थ्री क्वार्टर स्लीव्स हैं एंड यहाँ पे येलो की पाइपिंग लगी हुई है। बहुत ही सोबर सा ये पीस है, काफ़ी सोबर है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये देखकर, काफ़ी डिज़ाइन भी इसकी अलग सी है। तो कुल मिला के ये कुर्ती काफ़ी अच्छी है देखने में। फैब्रिक की बात करूँ तो फैब्रिक शायद रेयन या कॉटन लिखा था, लेकिन मुझे लग रहा है शायद ये रेयन और कॉटन प्योर तो नहीं है, थोड़ा बहुत मिक्स है, बिकॉज मुझे लगता है थोड़ी सी गर्मी शुरू होगी तो इसमें गर्मी लगेगी। तो जिनको फैब्रिक की बहुत प्रॉब्लम है वो फिर देख कर ले, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ी सी विस्कॉस तो मिक्स ज़रूर है ये, बिकॉज ये मुझे फैब्रिक की बहुत ज़्यादा पहचान है। खासकर अगर कॉटन और रेयन नहीं है तो मैं बिल्कुल वेयर नहीं कर सकती। तो जब मैंने ट्राई किया था तभी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इसकी जो फैब्रिक है उसमें विस्कॉस मिक्स है। तो जिनको प्रॉब्लम नहीं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बट बहुत ज़्यादा इसमें गर्मी नहीं लगने वाली है, थोड़ी बहुत होगी। जैसे मैं बहुत ज़्यादा इस तरह के कपड़े नहीं वेयर कर पाती हूँ, इस वजह से मैं इन चीज़ों का ध्यान रखती हूँ, बट जिनको ज़्यादा दिक्कत नहीं है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगने वाली है, कम्फर्टेबल है, सॉफ्ट है हर तरह से। और कलर कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा है, ब्लैक वाइट एंड येलो की। तो आप हर तरह से आप इस कुर्ती को ले सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी की प्रॉब्लम नहीं है तो। तो ये वाली कुर्ती मैं अपनी तरफ से बिल्कुल डन करती हूँ, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसके लिए सोच सकते हो। एंड गाइज मैं इसके साथ जो स्कर्ट है वो आपको दिखाती हूँ, इसके साथ प्लाजो नहीं है, स्कर्ट है। स्कर्ट देख सकते हैं ये ब्लैक एंड वाइट की खूबसूरत सी स्कर्ट है और फ्लेयर भी काफ़ी अच्छी है। ये जो अम्ब्रेला स्टाइल की स्कर्ट होती है वैसी वाली स्कर्ट है। यहाँ पर बेल्ट दे रखा है फ्रंट में एंड बैक साइड में इलास्टिक है। कुल मिलाकर ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी है। स्कर्ट की जो फैब्रिक है वो मुझे अच्छी लग रही है काफ़ी, जो स्कर्ट की जो फैब्रिक है कॉटन लग रही है और काफ़ी सॉफ्ट कॉटन है, तो आप ये ले सकते हो। ये मुझे रिसीव हुई है 699 में। प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है इसकी, खासकर इसकी स्कर्ट बहुत अच्छी है, अगर आप चाहें तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। एंड जो सेकंड है गाइस वो है ब्रांड आसी से। तो ये वाली जो कुर्ती मुझे रिसीव हुई है ये भी मुझे मस्टर्ड येलो कलर की रिसीव हुई है। मैंने दोनों ही ऑलमोस्ट येलो ले लिया क्योंकि ये बसंत का टाइम चल रहा है तो बसंत में येलो पहनना थोड़ा सही रहता है, इस वजह से मैंने लिया। ये बहुत ही सटल सा कलर है, मस्टर्ड येलो है, बिल्कुल वो शाइन वाली येलो नहीं है, मस्टर्ड जो होता है डल, वो ये वाले कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही प्यारा ये मस्टर्ड है। और मुझे ये मिली है एक ये कुर्ती विद जैकेट, इसकी जैकेट ऐसी है। सबसे पहले मैं कुर्ती की बात करती हूँ तो ये मुझे एक साइज़ बड़ी रिसीव हुई है, मैंने ऑर्डर किया था छोटे साइज़ का बट ये काफ़ी बड़ी मिली है मुझे। सबसे पहले मैं कुर्ती की बात करती हूँ, फैब्रिक की बात करूँ तो फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है, इसके जो कॉटन की जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है, समर के लिए बहुत अच्छा है। एंड ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे है आपके ये राउंड नेक एंड स्लीवलेस है ये, एंड यहाँ योक से आपको, आजकल योक स्टाइल के कुर्तीज बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो यहाँ पे थ्री लेयर्स में आपको प्लेट्स मिलेंगे
ये वाली डिज़ाइन बहुत ही अच्छी लगती है, ये जो पैटर्न है वो काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ प्लेट तीन तीन जगहों पे मिलती है आपको, फर्स्ट यहाँ पर, आप कैमरा कैप्चर नहीं कर रहा, ये फर्स्ट यहाँ पर एंड सेकंड एंड थर्ड। अगर आपकी हाइट 5'4" तक है तो आपकी ये एंकल लेंथ तक आएगी, नहीं तो ये थोड़ी सी आपको बड़ी हो सकती है अगर आपकी हाइट कम है तो। इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है, बैक में कुछ भी नहीं है। सबसे अच्छी बात है इसके फैब्रिक की, फैब्रिक इतनी अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। जिनको भी थोड़ी कंफर्टेबल कपड़े पहनने की या सॉफ्ट कपड़े आपको पसंद है तो आप इस तरह के कपड़े के साथ जा सकते हैं। इसके कलर और इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, मैं हाईली रिकमेंड करूँगी आपको इसे। एंड इसकी जो है जैकेट, ये मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत सा कलर कॉम्बिनेशन है इसके साथ, ग्रीन है, मस्टर्ड येलो है, वाइट है, ब्लैक है, तीन चार कलर है, लेकिन बहुत ही प्यारा और बहुत ही सटल सा ये कलर लग रहा है। प्रिंट बहुत सटल सा है, ऐसा नहीं लग रहा बहुत ज़्यादा हॉच पॉच हो रखा है, बहुत ही स्टाइलिश सा ये जैकेट है। फ्रंट में ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर वो टाई करने के लिए एक लेस सा दे रखा है, नीचे ये टेजल्स लगे हुए हैं जो कि ब्लैक एंड मस्टर्ड के हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और स्लीव्स की बात करूँ तो स्लीव्स आपके 3/4 ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। फैब्रिक बहुत ही अच्छी है इसकी, प्योर कॉटन है और बिल्कुल चुभने वाली नहीं है, बहुत ही अच्छी है। तो आप जा सकते हैं इसके साथ भी, ये मुझे रिसीव हुई है 799 में, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, मस्ट बाय प्रोडक्ट है, आप जा सकते हैं इसके साथ। सो गाइज, ये थी मेरी फ्लिपकार्ट हॉल, आपको कैसी लगी ये हॉल? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीक अपने किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।